शराब की बोतल, अरे शराब की बोतल आपके मियां भी पीते होंगे, उनसे पूछो जाके क्यों लेने जाते हैं। क्या कहो, हमने मोदी को डाल दिया, सीधी बात कह। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी बिटिया का वोट डिलीटेड आ रहा है, किस बेस पे आ रहा है, किस बेस पे इसका नाम काट दिया गया? मोदी जी को देखे आया, और खुलेआम बोलते हैं आज भी देंगे और कल भी देंगे। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब 9 साल में कुछ नहीं किया ना उन्होंने। आज हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, अंकल जी वोट। हाँ जी, हाँ जी, वोट डाल दें अंकल जी। आप किस मुद्दों पे वोट डाला आज? मैंने विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे में? विकास 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 के मुद्दे पे। हाँ, तो विकास चाह रहे कि विकास हो? विकास हो, हमने मोदी को डाल दिया, सीधी बात कह। अच्छा अच्छा, आपने किसको वोट डाला बताइए? मैं तो मतलब, मैं क्या 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 मुद्दे थे? चेंज चाहती हूँ। अच्छा, चेंज चाहते हो? चेंज चाहती हूँ। तो क्या चेंजेस चाहिए? चेंजेस चाहिए, बहुत टाइम से एक ही चल रहा सब कुछ। लोग अभी मिले हमें जो अभी अभी वोट डाल के हैं। सर, किन मुद्दों पे आपने आज वोट डाले हैं? लाइक लास्ट 10 ईयर्स में जो डेवलपमेंट कंट्री में हुआ है, क्या वो डिफेंस में हो, क्या रेलवे में हो, क्या आपका फॉरेन पॉलिसीज में डेवलपमेंट हुआ हो, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिया को किया गया है, वो आज तक कभी नहीं हुआ है। okay. और उसी को वोट दिखा है। एक एक बड़ी ज़रूरी बात पूछना चाहूँगा कि देश के विकास के ऊपर वोट होना चाहिए कि देश में लोगों को फ्री की सुविधाएं मिले उस पर वोट होना चाहिए? नहीं नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, फ्रीबीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज में आपकी कई कंट्रीज हैं जिनको अगर आप देखोगे तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। खत्म हो? हाँ, फ्रीबीज की वजह से। मैम, आप गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, तो आपको क्या लगता है कि फ्री की चीज़ें जरूरी हैं कि देश का विकास जरूरी है? विकास जरूरी है ऑब्वियसली, उसके फ्री की चीज़ें तो कुछ टाइम के लिए होती हैं, बट देश का विकास ही नहीं होगा तो फिर बाकी तो फ्री कहाँ से आएगा? आप सोचो ना, फ्री कहाँ से होगा? आप अपने घर में किसी को, अपने परिवार के मेंबर को कोई चीज़ फ्री दे सकते हो क्या? नहीं, कहीं से लाओगे तभी दोगे ना, फ्री कहाँ से आएगा? जब जो मीडियम टैक्स पेयर है, मीडियम वेज का टैक्स पेयर है, जब वो कमा के टैक्स भरता है तभी कुछ दिया जा रहा है ना, कहीं से आ रहा है तो वो टैक्स पे। मतलब कहने का मतलब, आप लोगों ने वोट किया विकास के लिए। जनकपुरी के ए ब्लॉक में हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ के जनकपुरी के लोग किन मुद्दों पे आज वोट कर रहे हैं आज जानते हैं। सर, वोट डाल दिया आपने? सर, वोट तो डाल दिया, लेकिन इशू ये है कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे रिसेंटली, हमने अपना एड्रेस चेंज करा लिया। हाँ जी, ठीक है, बच्चों का भी करा दिया ऑनलाइन, लेकिन मेरी बिटिया का वोट डिलीटेड आ रहा है, किस बेस पे आ रहा है, किस बेस पे इसका नाम काट दिया गया? तो आपको जानकारी नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं दी गई, बीएलएम मैडम कहती है सॉरी गलती होगी। आपने पहले भी वोट डाले? पहले डाल रखे, सेकंड टाइम था, कह रहे हैं अब 4 साल बाद देना, अगली बार देना, मैं 4 साल वेट करूंगी अपने। अच्छा, मतलब आपका वोट था पर काट दिया गया? नहीं, हमारा वोट था, मतलब बिटिया का काट दिया गया। हाँ। तो सर, किन मुद्दों पे वोट कराया आज आपने? सर देखो, हमने करा, हमें ये नहीं, सर हम तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा हम उसको करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो। फ्री की चीजें नहीं चाहिए मतलब आपको? सर, फ्री की हमें मिलती कहाँ है? अच्छा, हमें तो मिलती नहीं, हमें तो गवर्नमेंट के, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, एक मिडिल क्लास तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको तो सब तरफ से टैक्स देना है। हम फ्री बीज में आते ही नहीं ना, हम फ्री बस में चढ़ नहीं सकते, हम फ्री बिजली में रह नहीं सकते हैं सर, और फ्री पानी में हम रह नहीं सकते। पानी 700 लीटर मिलता है, 4 बंदे हैं, 700 लीटर से क्या होता है 4 दिन में, एक दिन में? देखिए, हर घर के जो होम मिनिस्टर होते हैं महिलाओं से चलती है, तो मैम आपने किस मुद्दों पर वोट करें आज? मतलब क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों को देख के आप वोट करके आएंगे? ऐसा कुछ नहीं, हमें बस फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत पे अच्छा रहना चाहे, हम मेहनत करके अपना इतना कमा सकें कि हम अपना खुद जो हमें इन चीज देश समृद्ध होगा हम ले सके, हम खुद ही, मतलब देश समृद्ध होगा तो हम सब हम खुद ही, हमें फ्री की जरूरत ही नहीं है ना, हमें बसों में चढ़ना ना कुछ। ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि विकास हो देश का, विकास होना चाहिए। 10 साल से हो रहा है जो पिछले 10 हो रहा है, चलो कहीं ना कहीं इशारों में इन्होंने बता भी दिया है, नहीं मोदी के राज में हो रहा है और आगे होगा। हाँ, तो आज वोट डाल के आए, अब किस मुद्दों पे क्या सोच के वोट डाला आप लोगों ने? यहाँ हमने तो इसी मुद्दे पे डाला है कि भाई महंगाई कम हो और आने वाले बच्चों को सबको रोजगार मिले, अच्छा उसको उसके लिए वोट डाला और क्या। अच्छा, चलो तो जो अभी जो देश में विकास हो रहा है उसको लेके क्या सोचते हैं? वो भी अच्छा हो रहा है, देश में विकास भी अच्छा हो रहा है, और जो फ्री में चीजें बांट रहे हैं वो फ्री में सबको मिल रही है, चलो जो जो जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल भी नहीं रही है, गरीब आदमी को मिल। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट डाल के आए हैं?
बस जो इनकी थिंकिंग है वही हमारी थिंकिंग है। और दूसरी बात ये है कि अगर है ना सबको जो फ्री में जो ले रहे हैं ना वो ऐसे लोगों को दी जाए जो उसके लायक हैं, जिनको जरूरत है। सबको जरूरत नहीं है इस चीज़ की, बहुत है जो जनता में बिल्कुल बिलो है उनको मिलनी चाहिए सब सुविधाएं। मतलब जो जो फ्री की स्कीम है जैसे सबको दी जा रही है तो मतलब वो उन लोगों को देनी चाहिए जिनको एक्चुअल में बिल्कुल जो उसके लायक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो जो उसके लायक नहीं है वो लोग पहले ले जाते हैं और जो जिनको मिलनी चाहिए वो वंचित रह जाते हैं उन चीजों से। आप बताइए जी आज क्या सोच के वोट करके आए आप लोग? भैया हम तो यही करके सोच वो वोट दे के आए भाई, सब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो, हमारे बच्चों के लिए भी, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ रोजगार हो बच्चों का है। आगे इतनी महंगाई हो रही है, हो जाता गरीब आदमी क्या करेगा ये बताओ, है ना। तो बस मैम आपके क्या मुद्दे रहे आज, क्या सोच के वोट करके आए? मोदी जी को देख के आए हैं और खुलेआम बोलते हैं आज भी देंगे और कल भी देंगे, क्योंकि वो जो भी ला रहे हैं जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको फ्री की स्कीम मिली थी? नहीं चाहिए फ्री की स्कीम। फ्री की स्कीम क्यों दे रहे हैं, क्यों आप आइज बना रहे हैं लोगों को, क्यों बना रहे हैं आप आइज? हाँ दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब 9 साल में कुछ नहीं किया ना उन्होंने। नौ क्या बताओ, एक काम बताओ, वहाँ बताओ क्या काम कर 80 करोड़ लोगों को भूखा मार रहे हैं ना जी, 80 करोड़ लोगों को मार रहे हैं ना, क्या काम करे? एक काम बताओ, काम बताओ, सुरक्षित बैठो ना आप। किस बात पे सुरक्षित बैठे हैं? कौन कौन कह रहा है सुरक्षित बैठे? वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या है? आपने कहा ना फ्री की नहीं बटनी चाहिए, आप फ्री क्यों दे रहे हैं? आप बिजली फ्री ले रहे हैं, उनके घर की प्रॉपर्टी है, फ्री दे रहे हैं आप बिजली फ्री ले रहे हैं? मैं तो नहीं ले रही फ्री। आपने आपके आपने लिख के दिया हुआ कि मेरा बिल तो आना चाहिए जीरो से। मैं सब्सिडी भी नहीं लेती, तो बच्चों वाली बात नहीं कर रहे हो, की जरूरत नहीं है। पानी भी फ्री ले रहे हो, बिजली भी फ्री ले रहे हो, दवाइयाँ भी फ्री ले रहे हो, आपका बसों में वो भी फ्री ले रहे हो, आदमी करता है मतलब बसों में भी नहीं जाती। नहीं नहीं, और जो जो 80 करोड़ लोगों को वो राशन 5 किलो राशन दे रहा है, वो क्या दे रहा है? मैं वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ है वो तो आपका मोदी दे रहे हैं। आप उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो बताओ? नहीं नहीं, आपके पीछे पड़ गए राशन की बेचारी, राशन को नहीं देख रहे आप, राशन को नहीं देख रहे आप, राशन को देखो ना मैडम। सुनिए सुनिए सुनिए, इसका मतलब 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से, अरे मेरे बहन का घर जाके मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग भूखे हैं ना, इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे है ना, 5 किलो राशन ले रहे हैं, ठीक है जी 10 साल में हुआ ना, सुनिए अगले 5 साल के अंदर 140 हो जाएंगे। सुनिए देखिए, उन्होंने वोट डाल दिया उनकी अपनी वो मैं वो कह रहे हैं गलत रहा है, पर हमें भी मत कहना शराब की बोतल, अरे शराब की बोतल आप कमियाँ भी पीते होंगे, उनसे पूछो जाके क्यों क्यों लेने जाते हैं शराब की बोतल है, चलो पीता पीने दो, आपको क्या लेना देना, आपने वैसे हाँ ये बात भी सही है, जो पीता है उसको शराब सबका ये विचार है कि भाई कौन किसको दे, कोई बात नहीं, बीजेपी को दे किसको दे हमें वो मतलब नहीं है। हाँ। हमारा मतलब ये है कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया का जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि केजरीवाल जी फ्री की शराब बांट रहा है तो ठीक है, उसमें दिक्कत क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन पर्सनली, बस मुझे ये चाहिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे पार्टीज है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अगर इंटरनेशनली या नेशनली कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा तो फॉर दैट एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एंड दैट विल बी जिसमें भी प्रोवाइडेड हो, जिसमें कि कम लीडर्स हो, कम कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो, और इस हिसाब से बीजेपी बेटर है। ये दरअसल में वो बात बताई इन भाई साहब ने जो एक्चुअल में जेन्युइन बात है कि जब अगर 10 लोगों की मिली जुली सरकार होगी तो कैसे चलेगी, आप लोग बेहतर जानते हैं। एग्जैक्टली यही सोच के हम बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिला गठबंधन रहेगा तो कोई भी एक स्टेबल डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होगी, दे हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, और अगर किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट रहती है तो उनका अपना खुद का डिसीजन होगा तो वो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं और बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और अभी जैसे कि आप इंटरनेशनली देख रहे हो, ठीक है, हमारे ऊपर या बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हमें लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तभी वो बहुत अच्छे से सरकार चला सकती है। अब अगर सपोज है कि हम गठबंधन की सरकार को वोट करते हैं, बीच में अगर हमारी सरकार टूट जाती है, अब बहुत सारे पार्टी सपोर्ट खींच लेते हैं, देन अगेन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस एंड देन वी अगेन फेस द नेक्स्ट इश्यूज, ठीक है, वही करोड़ों रुपए। एग्जैक्टली, नॉट अबाउट द करोड़ों रुपीज, हमारी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उतने दिन तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी हैंग रहता है, तो बेटर है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाओ जो भी पार्टी हो जो कि लॉन्ग टर्म तक चले। हम लोग आए हैं अपने वोट डाल के आए हैं, तो किन मुद्दों पे वो अपने वोट डालेंगे? सर मुद्दा यहाँ पे सफाई बिल्कुल नहीं है,
जनकपुरी के, जनकपुरी के, जनकपुरी तो काफी पोश एरिया के अंदर आते हैं, पोश एरिया के होने बावजूद भी सफाई नहीं है जी। आप मेन रोड की हालत देखो, आप कूड़ेदान, मतलब इतना सिस्टम खराब है पिछले 4-5-6 सालों से बहुत ज्यादा। इवन पॉश कॉलोनी में रहने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, हाँ, और एक एक छोटे छोटे काम के लिए जो प्रेजेंट जो सरकार रही है जी, तो उनकी कमियां रही हैं इसको लेकर। सर कमियां तो रही हैं सर, पिछले 10 साल से कमियां नजर आ रही हैं। अच्छा, मैम आप होम मिनिस्ट्री से हैं तो गृहिणी तो घर का सारा आप संभालती हैं, क्या मुद्दे रहे आपके आज वोट डालने के? मेन है जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो सब्जियाँ वो भी बड़ी महंगी हो रही हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए उस पर। और सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा कम है, गर्ल्स लेडीज़ के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न इशू है ये, तो वो ठीक होना चाहिए। एंड मोरओवर जो हमारे जो सीवर की लाइन है ना, हमेशा ब्लॉक रहती है घरों की, वो भी मेन इशू है। अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, किसी की भी सरकार बने तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, किसी की भी सरकार है? मेन तो यही है कि जो महंगाई हो रहा है इसके ऊपर उनको वर्क करना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना चाहिए। बच्चे बेचारे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले उतनी उनको मिल ले रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं महंगाई सब चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ये नई जो जनरेशन आ रही है क्या क्या देखेगी, मतलब कहीं ना कहीं सरकार को एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, मेरे ख्याल जो एग्जीक्यूशन है ना वो नहीं है, वो नहीं है बस। ठीक है, सब मुद्दों को लेकर जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, वो हमारे देश के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा भागीदारी आज के समय में उन्हीं की है। एक युवा हमें मिले हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज वोट किया है। दोस्त सबसे पहली बात तो ये कि क्या सोच के और किन मुद्दों पे आपने वोट किए हैं? देखो फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो यही चाहूँगा कि अभी 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट लगेगी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जॉब्स सबसे ज़्यादा तो इंक्रीज़ हों इस टाइम पे, तो यही सोच के मैंने वोट किया। बाकी और जैसे मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा, सफाई, सारे जैसे देश की सुरक्षा है, सफाई, मतलब कहीं ना कहीं पर आपको चाहिए कि भाई युवा को एक एम्प्लॉयमेंट अगर पहले मिले, क्योंकि अगर काम नहीं होंगे तो मेरी प्रायोरिटी तो यही है कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो, इसलिए। तो घर में जो पिताजी या माताजी होंगे, आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने क्या सोच के वोट किए होंगे? मेरा सोच के वोट किया है, बाकी जो सिक्योरिटी पर्पसेज हैं और बाकी जो नेशन को सोच के हैं वही सब कुछ। जो चार्ज उनको रिजल्ट आएंगे उसके बाद सरकार किसी की भी आए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट आएगी उसको किन चीज़ों पे प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए? किन चीज़ों पर प्रायोरिटी? देखो मैं जैसे बताया, बीइंग अ स्टूडेंट तो हो ही गया, बाकी नेशनल सिक्योरिटी, महंगाई जो है, इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों आज के युवाओं का जो है मेन बात ये भी है कि तमाम युवा चाहते हैं कि नौकरियां निकलें, ताकि नौकरियां लेंगे तो महंगाई मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आदमी कमा भी रहा है, महंगाई है तो वो इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि रोज़गार से ही सभी के घरों में खुशहाली आती है।